हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023 के सेकंड पार्ट में। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ लिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हम खेलकूद में देखते हैं क्या नया हुआ है इसमें अप्रैल में। तो खेलकूद में BCCI की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है बंगाल को हटा, ठीक है। उसके बाद ICC में क्या हुआ है, महिला T20 विश्व कप हुआ है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उपविजेता यानी कि दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है, ठीक है। ये 8वां विश्व कप था महिलाओं का। अब इसमें 9वां जो विश्व कप है उसका आयोजन बांग्लादेश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023, इसमें पुरुष के जो विजेता रहे हैं एकल के वो मिथुन मंजुनाथ रहे हैं और महिलाओं में जो विजेता रही हैं वो अनुपमा उपाध्याय रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पुरस्कार जो वितरित हुए हैं, ठीक है। तो 65वें ग्रेमी अवार्ड की घोषणा की गई है, इसमें भारत के रिक्की केज को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रेमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब ये जो पुरस्कार है इनको वो तीसरी बार मिला है, इससे पहले भी 2 बार इनको ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग ऑडियो एल्बम का पुरस्कार इनको मिला है ग्रेमी अवार्ड का, ठीक है। अमेरिका की गायिका है बियॉन्स, उनको 4 ग्रेमी पुरस्कार मिले हैं, कुल 32 ग्रेमी पुरस्कार वो जीत चुकी हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था फुटबॉल का 2022 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में एलेक्सा पुटेलॉस स्पेन की खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नियुक्ति में देख लेते हैं। तो नियुक्ति में जो नीति आयोग है हमारा, उसके जो CEO हैं वो उनकी नियुक्ति की गई है BVR सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है। कई माना जाता है कि भाई नवीनतम CEO कौन है। उसके बाद पुस्तक देख लेते हैं कौन सी रही है चर्चित, तो विक्ट्री सिटी जो कि सलमान रुश्दी ने लिखी है, और द इंडियन मेट्रोपोलिस वरुण गांधी ने लिखी है जो कि वर्तमान में पीलीभीत से सांसद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सम्मेलन और अभियान, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से अभियान हुए हैं। तो भारतीय चावल कांग्रेस 2023, ठीक है। तो ये जो चावल संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के कटक में स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ये भारत की दूसरी चावल कांग्रेस थी, ठीक है, 11 से 14 फरवरी 2023 में आयोजन हुआ है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन का आयोजन 2 दिवसीय आगरा में हुआ है, ठीक है। उसके बाद 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजी की का एक शहर है नाड़ी, वहाँ पर हुआ है, ठीक है। 15 से 17 फरवरी 2023 विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद कुछ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, उसका नाम है दुस्तलिक, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है। उसके बाद है भारत और जापान की वायुसेना का जो संयुक्त अभ्यास है वीर गॉर्जियन, ठीक है, जो कि जापान के हयाकुरी जगह में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमृत पैक्स 2023, ठीक है, भारतीय डाक टिकट का संग्रह करके उनकी प्रदर्शनी का जो आयोजन है उसी का नाम रखा गया है अमृत पैक्स 2023, जो कि दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास ट्रोपैक्स 2023, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है, जनवरी से मार्च तक ये चला है 2023 में, ठीक है। तो कई बार आ जाता है कि भाई ट्रोपैक्स 2023 जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो हिंद महासागर में हुआ है और ये नौसेना का अभ्यास था, ठीक है। अब देख लेते हैं 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देश हैं इस संगठन में, ठीक है, जिसका जो शिखर सम्मेलन है 36वां वो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दक्षिण अफ्रीका चीन रूस, ठीक है, का 10 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास जिसको मौसी 2 नाम दिया गया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है मौसी 2 किस किस देश का संयुक्त अभ्यास है, तो दक्षिण अफ्रीका चीन और रूस 3 देशों का ये अभ्यास है।
जो कि 17 से 27 फरवरी में डरबन में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारत का जो UPI सिस्टम है वो सिंगापुर के पे नाउ के साथ कनेक्ट हो चुका है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का UPI सिस्टम किस देश के सिस्टम से कनेक्ट हुआ है, तो सिंगापुर के पे नाउ से ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो विविध क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के जो परवेज मुशर्रफ थे आप सभी जानते हैं, उनका देहांत हुआ है 5 फरवरी 2023 को दुबई में उनका निधन हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारत की मीरा कहे जाने वाली दक्षिण भारत की गायिका हैं वाणी जयराम। ठीक है, इनका भी 4 फरवरी 2023 को निधन हुआ है। 2023 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, घोषणा की गई थी 26 जनवरी में। ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ठीक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है, इसका उद्घाटन किया गया है 6 फरवरी को, जो कि तुमकुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और जम्मू कश्मीर में लीथियम का भंडार पाया गया है। ठीक है, तो लीथियम जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। उसके बाद इसमें ब्राइटमेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें क्या है कि उत्तरी सीमा से लगे हुए जितने भी हमारे गांव हैं या इलाके हैं उनके विकास के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी बजट में 15 फरवरी 2023 को, इसकी संसदीय अनुमति मिली है। कुल 4800 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने खर्च का प्रावधान है, तो 4800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है इसमें। ठीक है, अब बृहस्पति ग्रह के 12 नए उपग्रह की खोज की गई है वर्तमान अभी जस्ट, तो कुल उपग्रह हो गए हैं बृहस्पति के 92 जबकि शनि के 83 हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है हमारा वो बृहस्पति होगा। ठीक है, तो ये था हमारा अप्रैल 2023 का प्रतियोगिता दर्पण। थैंक यू।